सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोराहा में संचनालय महिला बाल विकास विभाग के निर्देशों के परिपालन में पालना केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर परिवेक्षक शशि बैरागी, डॉक्टर रश्मि पटेल, सरपंच सुरेश विश्वकर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोराहा में संचनालय महिला बाल विकास विभाग के निर्देशों के परिपालन में पालना केंद्र का शुभारंभ किया गया है एवं उपस्थित जन समूह को बताया गया कि कोई भी अनचाहे बच्चे या ऐसे बच्चे जिन्हें पालक रखना नहीं चाहते हैं, कृपया उन्हें पालना केंद्र में छोड़ें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी एवं आपको उपलब्ध कराए गए नंबर से ही किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सूचना दे सकते हैं। शासन छोड़ गए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। कृपया इस सेवा का उपयोग करें एवं अधिक से अधिक ग्रामों में इसका प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर डॉक्टर रश्मि पटेल, पर्यवेक्षक शशि बैरागी और साथ ही में जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत झरखेड़ा, सरपंच सुरेश विश्वकर्मा, दोराहा सरपंच मोहन माली, सचिव धर्मेंद्र पाठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वृंदा लता प्रीति, साथ ही में संतोष तिवारी आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। ये क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोराहा में महिला एवं बाल विकास द्वारा पालना केंद्र का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें उन बच्चों को यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं जिनकी परिवार को आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चे अधिकतर गांव में लड़कियां हो जाती हैं जिन्हें इधर उधर फेंका जाता है या गाड़ा जाता है ज़मीन में, तो उन बच्चों की यहाँ पे अस्पताल में आप आवश्यकता है, आप उनको ला करके चुपचाप से छोड़ के जा सकते हैं। आपके आवश्यकता भी नहीं है कि हम किस परिवार से उस बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, आप बस उनको यहाँ छोड़ के चले जाएँ, उसकी सारी व्यवस्था शासन करें। कार्यक्रम किया गया है हॉस्पिटल में, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिला बाल विकास योजना के अंतर्गत पालना योजना आज प्रारंभ हुई है दोराहा अस्पताल में, जिसमें ऐसे अनचाहे बच्चे जो कोई भी परिवार पालना नहीं चाहते हैं उसे आवेद मतलब कहीं भी फेंक जाते हैं, ऐसे बच्चों को आप अस्पताल में यहाँ पे पालने में डाल के जा सकते हैं, जिसे शासन पूरे जिम्मेदारी से उसका लालन पालन करेगी, इसकी पूरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दोराहा से वसीम खान की रिपोर्ट।